तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप जो अपने एडसेंस का CTR को किस तरीके से कम कर सकते हैं, और जिनको नहीं पता कि एडसेंस का CTR जो है नॉर्मली कितना रहना चाहिए, तो सब कुछ जो मैं आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ। और शुरू से लेकर लास्ट तक का हमारा आज के वीडियो जो है उसको देखते रहिए, जब ही जो आपके सब कुछ समझ में आने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि एडसेंस में CTR को किस तरीके से चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैं जो अपना पफिन ब्राउज़र है इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको CTR जो है यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा 3.69। ये जो है मेरा CTR है, तो इसको मैंने चेक किस तरीके से किया वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप अपना एडसेंस का अकाउंट आप ओपन करेंगे तो आपको परफॉर्मेंस रिपोर्ट पर आना है सबसे पहले, और फिर उसके बाद डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट पर आने के बाद यहाँ पर क्लिक कर दीजिए डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट पर, और फिर आपको जो ऐड का बटन दिख रहा है ये ऐड पर क्लिक कर दीजिए। और इस पर क्लिक करने के बाद प्रोडक्ट्स में आइए। प्रोडक्ट्स में आने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, होस्टेड एडसेंस फॉर कंटेंट और ये जो है यूट्यूब होस्ट। तो मेरा जो अब सारा एडसेंस का यानी कि सभी डिटेल जो है यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं यूट्यूब होस्ट में, तो इस वजह से मैं आया हूँ। अगर आपके में ये नहीं है तो होस्टेड एडसेंस फॉर अकाउंट पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो बस इतना करने के बाद आपको यहाँ क्लिक्स पर क्लिक कर देना और यहाँ पर जो आपका CTR देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये होता है आपका CTR। तो ये है 3.69 जो मेरा इस वक्त है। तो अगर ये 15% से ऊपर जाता है तो आपको इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी की वजह से आपका एडसेंस जो है वो डिसेबल भी कर दिया जा सकता है। तो ये जो नए यूट्यूबर हैं तो इनको नहीं पता होता है इन सब चीज़ों के बारे में। तो अब इसको कम किस तरीके से करते हैं, तो उसके लिए आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा YT स्टूडियो, जो कि आप थंबनेल वगैरह ऐड करने के काम में भी लाते हैं। तो इसमें आने के बाद आपको यहाँ पर करना क्या है कि जो भी आपकी पॉपुलर वीडियोज़ होंगी जिन पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ आते होंगे उसको करने के लिए आप यहाँ मोस्ट रिसेंट में जाके मोस्ट व्यूड पर क्लिक कर दीजिए, और आपकी सारी जो वीडियोज़ है वो निकल करके आ जाएंगी जिस पर हाई व्यूज़ होंगे। तो शुरू से लेके आपको कम से कम 10 से 15 वीडियोस का जो मोनेटाइजेशन वाले आप यहाँ से देख लीजिए। फिर आपको ये जो है क्लिक करना है पेंसिल वाला जो आइकन है इस पर, यानी कि आपको अपनी वीडियो में एडिटिंग करनी है थोड़ी। तो यहाँ पर आने के बाद आपको इसकी एबल वीडियोस ऐड दिख रहा है ये, तो इसको जो है बंद कर दीजिए। 10 से 15 वीडियो को आपको ये बंद कर देना, और फिर देखिए आपका जो एडसेंस का CTR है वो बहुत ही कम हो जाएगा। तो उम्मीद है मुझे दोस्तों कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल ना भूलें।